लाखों की संख्या में महापुरुषों को जन्म देने का काम किया है, लाखों की संख्या में क्रांतिकारियों को जन्म देने का काम किया है। कौन भूल सकता है चैतन्य महाप्रभु को, कौन भूल सकता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, कौन भूल सकता है उस स्वामी विवेकानंद को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हें कौन भुला सकता है। पवित्र भूमि पर सबसे पहले स्वास्थ्य की स्मृति को मैं प्रणाम कर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। नवमीत पूजनीय चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि, इसी भूमि पर, इसी भागीरथी नदी के पश्चिम किनारे पर चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्ति का आंदोलन पूरे बंगाल के अंदर खड़ा किया था, जो आज तक बंगाल को प्रतिष्ठा देश भर में मिला। अनेक मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया, अनेक मंदिरों की दीवारों को कृष्ण भक्ति के चित्रों से सजाने का काम चैतन्य महाप्रभु ने। मित्रों, यहां पर पूरा वैदिक केंद्र, वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा है। नौवीं सदी में शांतिपुर के मंदिरों में श्यामचंद्र मंदिर, जलेश्वर और अद्वैत प्रभु के मंदिर भी ये पूरे क्षेत्र को जान देते हैं। और मित्रों, ये प्लासी की लड़ाई जैसा ही चुनाव है, ये चुनाव तय करने वाला है कि बंगाल के अंदर बंगाल की सर्वे सुखी न भवंतु, सर्वे संतु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 10 years ago, almost 500 years ago, Sri Chaitanya, who overwhelmed the whole of India by his message of love to humanity, created such a powerful movement in a short span of his life. The man who could pronounce Chandalopi Dijasrashta Hari Bhakti Parayan at the dawn of the civilization, our sages taught us, Yatra Vishya Bhavetti Goniram. Whole universe. At the holy land of Lord Sri Krishna, Vrindavan, as a celebrated spiritual leader and author, Srila Prabhupada have made substantial contribution to our cultural life. It was the great saint and philosopher, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who along with his disciples established temples in Vrindavan and led the cultural renaissance in the 15th century. He was the instrument in making Vrindavan the seat of bhakti movement and in disseminating the principles as enunciated in our ancient texts throughout India. The philosophical message of the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in an easy to understand and rational manner, that message is particularly relevant for us as a society today. मैं ज्ञान और अध्यात्म की धरती, धर्म और संस्कृति की बंगाल की इस धरती को, नवद्वीप की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। यहां के कण कण में चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव भक्ति की धारा आज भी बह रही है और वही धारा जय श्री राम के साथ अयोध्या में भी देखने को मिलती है। वही धारा है जो मथुरा और वृंदावन में राधा कृष्ण के नाम पर दिखाई देती है।
चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे क्षेत्र को वैष्णव धारा के साथ जोड़ करके यहां पर सनातन धर्म की स्थापना और उसकी पुनर्स्थापना के लिए जो योगदान दिया, आज भी हर श्रद्धालु उस महामानव के प्रति उसी श्रद्धा भाव के साथ यहां पर श्रद्धा व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती वैसे भी राष्ट्रवाद की धरती है। यहां पर रामकृष्ण परमहंस की साधना है तो स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व का उद्घोष भी बंगाल की धरती से पूरे देश और दुनिया के अंदर गूंजता हुआ दिखाई दिया। जब स्वामी विवेकानंद, हम सबको इस बात का आह्वान करते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भाइयों बहनों वैसे भी नवद्वीप के धरती ज्ञान और अध्यात्म की धरती के रूप में दुनिया के अंदर विख्यात है। अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली भारत की ज्ञान और अध्यात्म की परंपरा को आम जन तक पहुंचाने वाली यह धरती, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके कारण यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। चैतन्य महाप्रभु की छाया जहां हो, गोंडिया समाज आज भी समाज सुधार के लिए अपने आप को खपाता रहता हो, ऐसी बंगाल की धरती पर क्या हाल हो गया है मेरे भाइयों बहनों। हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के प्रणेता थे, भक्ति युग के पुरोधा थे। भक्त बनना आसान नहीं होता है, भक्त वही होता है जो विभक्त नहीं होता है। और चैतन्य महाप्रभु भक्त थे, जहां कोई विभक्त को स्थान नहीं था, वे कृष्ण में डूबे हुए थे, कृष्ण उसमें समाहित हो चुका था। और तब जाकर के ये भक्ति आंदोलन खड़ा होता है। लेकिन इस बात को हम भूल नहीं सकते कि भारत के आजादी के आंदोलन की पिठिका अगर किसी ने तैयार की थी तो इस भक्ति आंदोलन ने की थी। चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे आचार्य शंकर देव हो, और ये वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए उसी कालखंड में लिखा गया जब चैतन्य महाप्रभु जिस आंदोलन को चलाते थे गुजरात की धरती पर, नरसिंह मेहता अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और उन्होंने गीत लिखा, और महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था। मैं कहता था वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान न आने रे। वाच काच मन निश्चल राखे, पर धन नव जाले हाथ रे। और जिस गीता की रचना हुई, शायद विश्व में ऐसी कोई रचना नहीं है जो युद्ध भूमि में रची गई हो। दुनिया में, हमारे समाज में, हर कालखंड में, हर भूभाग में बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले चैतन्य पुरुष मिले हैं। मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं
चैतन्य महाप्रभु का पुण्य स्मरण करता हूँ। इस महान परंपरा के सभी योगी पुरुषों का मैं नमन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको जल्दी जाना है, अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जितना भी यहाँ पे संत समाज है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, पवित्र रथ यात्रा अवसर है, नमस्कार। आज पूरी धाम रे महाप्रभु जगन्नाथन दर्शन करी निज को धन्य मने करूँ। मु सोमनाथंकर माटी रुआसी महाप्रभु जगन्नाथ माटी रे पहिची। महाप्रभु जगन्नाथ देश एवं देशवासी कर मंगल करंतु एति की प्रार्थना। जय जगन्नाथ।